हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट देखेंगे एंड ये काफ़ी हाई लेवल है, काफ़ी टाइम भी लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में और काफ़ी पेशेंस भी चाहिए होगा, क्योंकि पजल को सॉल्व करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप कोई भी एक पजल पिक करते हैं हाई लेवल और उसे देखकर आप गिव अप कर देते हैं तो आपसे ये तो क्या आगे की पजल भी सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वही गिर जाता है। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी होते हैं, बट सारे ही क्वेश्चन आपके डूएबल होते हैं। रीजनिंग जो है वो आपके सिर्फ कॉमन सेंस होती है, ठीक है। आप लगाएंगे, कोई दूसरा भी लगाएगा, कोई तीसरा भी लगाएगा, तो बेहतर है कि आप उससे कम समय में लगाएं, अपने माइंड को इस तरीके से शार्प करें। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा यहाँ से। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलिव बोर्ड की साइट से लिया है, तो ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा जहाँ पर जाकर आप लोग जो इनके फ्री मॉक हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो का फीडबैक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ईजी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में इतना समय और इतना वर्क नहीं लगता है, लेकिन मेन्स लेवल के क्वेश्चन को समझाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इसका फीडबैक बताइएगा, फीडबैक में आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, जो भी आपको प्रॉब्लम आए उससे रिलेटेड, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हिंदी वाले जो पर्सन है प्लीज़ इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एंड पहले तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखें, और अगर आपसे ये अटेम्प्ट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें और रीड करने के बाद फिर सॉल्यूशन को देखें, राइट। एंड यहाँ पर मूव करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में गिवन है, तो मैं यहाँ पर इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ देती हूँ, क्योंकि आगे हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। बहुत ध्यान से इसकी लैंग्वेज को समझिएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फाइव पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, कि आपके पांच पर्सन जो हैं वो आपका साउथ की ओर फेस कर रहे हैं, रो में बैठे हैं। फाइव पर्सन आर सिटिंग इन अनदर रो फेसिंग नॉर्थ, पांच पर्सन जो है वो आपका नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक। एंड दस एग्जैक्टली फेसिंग द पर्सन्स इन अदर रो, और दोनों ही पर्सन जो हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, राइट। आगे कह रहे हैं एट ऑफ देम आर वेयरिंग इधर ऑफ द थ्री कलर्स, तो एट ऑफ देम मतलब दस में से, दस हो गए ना, पांच आपके साउथ फेस पर करेंगे, पांच आपका नॉर्थ फेस करेंगे, तो उसमें से जो आठ लोग हैं वो क्या आपका पहनेंगे, वो या तो व्हाइट कलर, पिंक कलर या फिर रेड पहनेंगे, सिर्फ आठ। जबकि आपके जो बाकी के दो पर्सन होंगे वो कैसा पहनेंगे, वो ऐसी ड्रेस पहनेंगे जो कि आपके इन तीन में से किसी दो कलर की बनी हुई होगी, लाइक हो सकता है कि आपकी व्हाइट और पिंक की बनी हो, पिंक और रेड की बनी हो, या फिर व्हाइट और रेड की बनी हो, तो जो तीन पेयर बन रहे हैं तीन में से कोई दो जो है वो उनके लिए यूज किया जाएगा। ओके, यहां से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी आपका मिनिमम और मैक्सिमम नहीं दिया है, तो किसी भी वेरिएबल का यूज आप कितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है। और कितनी बार इन दी सेंस आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि कह देते हैं ना कि आपका मैक्सिमम थ्री टाइम्स नहीं होगा या मैक्सिमम टू टाइम्स नहीं होगा, तो ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं हम लोग इसको आगे, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट गिवन है, इससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपके पर्सन के बारे में कुछ भी गिवन ना हो कि इतने पर्सन जो है ये आपका साउथ देख रहे हैं, इतने पर्सन आपका नॉर्थ देख रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, उन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप लोगों का जो पूरा पजल होता है उस पर एक नज़र डालनी होती है और ऐसा स्टेटमेंट पकड़ना होता है कि कहीं भी कुछ ऐसा गिवन है कि ये पर्सन जो है ये साउथ देख रहा है या फिर ये पर्सन जो है ये नॉर्थ देख रहा है। अगर इस टाइप का स्टेटमेंट गिवन है तो उसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो उसके दोनों पॉसिबिलिटीज को बनाएंगे, एक बार आप उसे नॉर्थ की तरफ फेस करके भी बैठा लेंगे और एक बार आप उसे साउथ की तरफ फेस करके भी बैठा लेंगे, ठीक, क्योंकि यहां पर आपका डायरेक्शन मैटर करेगी, राइट। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो आपकी यहाँ पे फिर डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, सिर्फ आपका अरेंजमेंट मैटर करता है, तो उसमें आप चाहे नॉर्थ फेस करा लो चाहे साउथ फेस करा लो, एमसीक्यूज ऐसे बनेंगे कि आपका उस पर कोई भी फर्क डायरेक्शन का नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस चीज का ध्यान ना होता है। तो यहां पर अगर आप इसके स्टेटमेंट पर निगाह डालोगे तो वीडियो को पॉज करो और खुद से देखो, ठीक, मेरे बताने से कुछ नहीं होता, आप खुद मेहनत करो। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि वाई इज वेयरिंग पिंक एंड फेसिंग साउथ, ठीक, कि वाई जो है वो आपका पिंक कलर पहना है और साउथ की ओर फेस कर रहा है, राइट। तो
यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वाई को इन्होंने एक डायरेक्शन दे दी। जब वाई की डायरेक्शन फिक्स है यानी कि सबकी डायरेक्शन जो है वो कुछ ना कुछ फिक्स होगी, तो आपको क्या करना है यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है। तो जो भी वेरिएबल का आप यूज करेंगे क्वेश्चन को बनाने में, उसके लिए आप लोग उसकी डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है। द वन सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ के इज वेयरिंग व्हाइट एंड रेड। तो वो पर्सन जो कि के के थर्ड टू दी राइट में है, ये क्या पहनेगा? व्हाइट प्लस रेड। ठीक, क्योंकि यहां पर आपका क्या था कि कोई दो पर्सन ऐसे हैं जो कि दो कलर का कॉम्बिनेशन पहनेंगे, तो यहां पर एक पर्सन जो है वो व्हाइट एंड रेड वाला है और वो कैसे बैठा है? के के थर्ड टू दी राइट में बैठा है। ओके, आगे देखते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं द वन फेसिंग के इज वेयरिंग बोथ द कलर्स ऑफ हिज इमीडिएट नेबर। तो वो पर्सन जो कि के को फेस कर रहा है वो दोनों कलर पहनेगा, कौन से? जो कि उसके दोनों इमीडिएट नेबर के होंगे। अगर मैं इसको यहां पे लिख कर दिखाऊं तो के के सामने जो पर्सन बैठेगा वो कौन सा कलर पहनेगा? वो यहां पर और यहां पर जो दोनों कलर होंगे एक्स और वाई, ठीक, कलर एक्स और वाई कर लेते हैं, एक्स और वाई जो भी कलर होंगे, तो सामने वाले का जो कलर है वो क्या होगा? एक्स प्लस वाई होगा। ठीक, इसको आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हो चाहे तो, ठीक है, सिंबल बना लो, यहाँ पे एट द रेट बना लो, यहाँ डॉलर बना लो, यहाँ पे एट द रेट और डॉलर बना लो। ठीक, सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक, और ये लाइन इतनी डिफरेंट टाइप होती है ना कि आप अगर इसको पढ़ भी लेंगे, पढ़कर ऐसे ही छोड़ देंगे, तब भी आपको याद रहेगी कि हाँ एक ऐसा स्टेटमेंट आया था। जब कोई स्टेटमेंट अलग सा आता है तो फिर वो आपके माइंड में रहता ही है क्वेश्चन को बनाते समय। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि निदर ए नॉर के आर एट कॉर्नर। तो बेसिकली ए और के जो है वो कहाँ नहीं जाएंगे? आपका एंड पे नहीं जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद कह रहे हैं बोथ द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई आर वेयरिंग व्हाइट। दोनों पर्सन जो कि ई के लेफ्ट में हैं वो व्हाइट पहन रहे हैं। ठीक, तो दोनों पर्सन जो ई की लेफ्ट में हैं, ठीक है, अब दोनों पर्सन जो ई के लेफ्ट में हैं इन द सेंस कि आपका ई जो है वो कहां बैठेगा? आपका किसी भी एंड से थर्ड नंबर पे बैठेगा, है ना। तो ये दोनों पर्सन जो है ये क्या पहनेंगे? आपका व्हाइट कलर पहनेंगे। ठीक है, इसकी लेफ्ट में जो है। फिर आगे कह रहे हैं F इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ A। F जो है वो कैसे आएगा? आपका सेकेंड टू द राइट है किसके? A के। फिर कह रहे हैं नेदर F नॉर A इज वेयरिंग ओनली व्हाइट। ना ही F ना ही A आपका ओनली व्हाइट पहनेगा। तो यहां पे लिख लो कि F और A क्या नहीं पहनेगा? ओनली व्हाइट नहीं पहनेगा। ठीक, फिर कह रहे हैं F एंड K आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। F और K जो है वो कैसा देख रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। अब देखो यहां बात आ गई ना, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अगर आपका K को हम साउथ बैठा लेंगे तो F को नॉर्थ बैठा लेंगे, K को अगर आपका नॉर्थ बैठा लेंगे तो F को हम साउथ बैठा लेंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं वाई इज नॉट अ नेबर ऑफ F। तो वाई जो है वो किसकी नेबर नहीं है? F की नेबर नहीं है। देन Y is wearing pink and facing south। तो Y जो है वो किस आपका क्या पहन रहा है? आपका पिंक कलर पहन रहा है और साउथ की ओर फेस कर रहा है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं H is sitting to the immediate left of B। तो H जो है वो किसके इमीजिएट लेफ्ट में है? B के इमीजिएट लेफ्ट में है। फिर इसके बाद कह रहे हैं M is sitting to the immediate left of the one who is facing C। तो C के सामने जो पर्सन आएगा उसके इमीजिएट लेफ्ट में क्या आएगा? आपका M आएगा। ठीक, देन सी इज नॉट वेयरिंग व्हाइट। सी जो है वो व्हाइट नहीं पहन रहा है। अब देखो दोनों में आप डिफरेंस बनाकर चलिएगा, ओनली व्हाइट एंड व्हाइट, व्हाइट का मतलब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन में भी नहीं आएगा। ठीक है, देन आगे कह रहे हैं यहाँ पे एन इज एट द कॉर्नर बट नॉट वेयरिंग पिंक। तो एन जो है वो कॉर्नर पे है यानी कि एन जो है वो किसी एंड पर है, लेकिन ये क्या नहीं पहन रहा है? आपका पिंक कलर नहीं पहन रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं द वन सिटिंग सेकेंड फ्रॉम एन इज वेयरिंग रेड। तो अब देखो सेकेंड फ्रॉम एन, तो यहां पर सेकेंड फ्रॉम एन का मतलब हो गया बेसिकली कि आपका एन और रेड के बीच में खाली एक का गैप होगा, ना राइट ना लेफ्ट कुछ नहीं बताया है, खाली एन और रेड के बीच में एक का गैप होगा। ओके, फिर कह रहे हैं बोथ द पर्सन वेयरिंग ओनली रेड। अब देखो बोथ द पर्सन यानी कि खाली जो रेड वाले हैं वो आपके दो ही पर्सन होंगे, क्योंकि अगर दो से ज्यादा होते तो फिर वो क्या बोलता कि जितने पर्सन हैं उनमें से कोई दो ऐसे होंगे ओनली रेड वाले जो कि आपका पिंक वाले को फेस करेंगे, लेकिन इसने क्या यूज करा है? बोथ द पर्सन wearing only red। तो यानी कि आपके red वाले person जो है वो कितने होंगे? दो होंगे, और दोनों ही किसको face करेंगे? pink को face करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो pink वाला है वो भी दो ही होंगे, pink आपके more than two हो सकते हैं। ठीक, then only one person, ये only भी लिख दो,
ओनली वन पर्सन इज वेयरिंग बोथ व्हाइट एंड रेड एंड नो बडी इज वेयरिंग बोथ पिंक एंड राइट. तो खाली एक पर्सन जो है व्हाइट एंड रेड पहनेगा, जो कि आपका के थर्ड टू द राइट में है, और कोई भी पर्सन आपका पिंक एंड व्हाइट नहीं पहनेगा. तो देखो हमने शुरुआत में क्या देखा था कि आपके तीन पेयर बन रहे थे, व्हाइट एंड रेड, पिंक एंड रेड, व्हाइट एंड पिंक. ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्या मना कर दिया कि व्हाइट एंड पिंक वाला कोई होगा नहीं. तो बेसिकली आपके दो बचे, यानी कि जो दूसरा पर्सन होगा वो क्या पहनेगा आपका यहाँ पर, वो पहनेगा आपका पिंक एंड रेड. ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो दूसरा पर्सन होगा वो क्या पहनेगा, पिंक एंड रेड. और वो दूसरा पर्सन कौन सा होगा पता है, वो ये वाला पर्सन होगा जो कि आपके एक्स के सामने जो पर्सन बैठा है वो होगा पिंक एंड रेड वाला. ठीक, क्योंकि जो आपका एक कॉम्बिनेशन वाला है वो तो के थर्ड टू द राइट में बैठेगा, तो के सामने वाला पर्सन जो है वो कौन सा हो जाएगा, पिंक एंड रेड. ठीक, तो बेसिकली आप लोग के से इस क्वेश्चन को उठा सकते हो. तो पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम को. ओके, इसमें पॉसिबिलिटीज जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा आएंगी, तो आप लोग बेहतर है कि एक पेपर पे खुद से भी क्वेश्चन को बनाते हुए चलें. देखो कुछ पॉसिबिलिटीज बनती भी हैं और कुछ पॉसिबिलिटीज मैं थोड़ा ज़्यादा बनाकर आप लोगों को बताती भी हूँ, ताकि आपके जो पॉइंट्स एलिमिनेट हो रहे हैं उनके बारे में आपको पता हो. क्योंकि अगर आप ज़्यादा पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग अपने आप पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करना भी सीखोगे. ठीक है, आगे जाके आप लोग पॉसिबिलिटीज को आराम से भी एलिमिनेट कर सकते हो. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि ये पॉसिबिलिटी देखो इस पॉइंट से कट गई, इस पॉइंट से ये वाली पॉसिबिलिटी कट गई, तो ऐसे करके आपको सिर्फ कंफ्यूजन होगा. तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ कि क्यों आपका ऐसा हुआ. तो ये जो आपकी एलिमिनेशन वाला मेथड है ये आपको खुद से आना चाहिए. ठीक, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे खुद से भी बताती हुई चलूं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे के को पिक करोगे, है ना, क्योंकि के से रिलेटेड आपको पॉइंट्स ठीक ठाक मिल रहे हैं. एंड के बारे में क्या कहा गया है कि के एंड पर नहीं आएगा, के थर्ड टू द राइट में डब्ल्यू प्लस आर आएगा, के सामने वाला पर्सन जो है वो पिंक एंड रेड पहनेगा. तो इसी से हम क्वेश्चन को यहाँ पे पिक कर लेते हैं. तो आपका देखोगे कि इसमें डायरेक्शन की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डायरेक्शन हमें नहीं पता है. तो यहाँ पर आपका जो डायरेक्शन है के का वो एक बार कैसे बैठा लोगे आप, नॉर्थ में. ठीक है, तो नॉर्थ में दोगे तो के आपका पहली बार में यहां पर आता है, तो आपका व्हाइट एंड रेड यहां आ जाएगा. ठीक है, व्हाइट एंड रेड. दूसरी बार में के अगर यहां पर आता है तो व्हाइट एंड रेड यहां आ जाएगा. ठीक, बस यही दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्योंकि के आपका कॉर्नर पर आएगा नहीं, और अगर आप यहां मिडल में लिखते हो तो फिर व्हाइट एंड रेड की जगह नहीं बचेगी. तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी इसमें, इसको हटा दोगे. ठीक है, इसके अलावा के सामने जो पर्सन आएगा उसको हम क्या देंगे, तो अभी मैंने बताया था ये एक्स प्लस वाई दूसरा पेयर कौन सा बना था, पिंक एंड रेड वाला. तो यहां पर जो पर्सन है वो कौन सा होगा, पीआर. ठीक, और सेम यहां पे जो पर्सन है वो कौन सा होगा, पीआर. ठीक है, इसको आप हटा दोगे. ये चीज तो आप ध्यान रख सकते हो कि पीआर में से कोई एक यहां पर कौन सा होगा, पी होगा और एक आर होगा. ठीक, या फिर आप चाहे तो इसको आप रोक लो अभी. ठीक है, क्योंकि अभी इस पॉइंट का कंप्लीट यूज नहीं हुआ है ना. देन इसके अलावा देखते हैं, तो ई के बारे में कह रहे हैं यहां पे ई के लेफ्ट में जो दोनों पर्सन आएंगे उनको व्हाइट मिलेगा. तो यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है कि के को व्हाइट नहीं मिलेगा, आई थिंक ऐसा कुछ गिवन नहीं है, है ना. तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉइंट्स ऐसे है नहीं जिसको हम पिक करें. अगर ए और एफ लेती हूं मैं, तो ए और एफ में आप देखोगे कि यहाँ पर ए और एफ में से ए जो है वो कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो ए यहाँ पर आएगा तो एफ यहाँ आ सकता है, ए यहाँ पर आएगा तो एफ यहाँ आ सकता है. ठीक है, तो चाहे तो आप ये वाला पॉइंट पिक कर लो, ए और एफ वाला, चाहे आप ई वाला कर लो, दोनों में आपकी दो दो पॉसिबिलिटीज बनकर आएंगी ही आएंगी, है ना. और एन और रेड देखोगे तो इसमें तो बहुत पॉसिबिलिटीज आएंगी, क्योंकि अगर एन यहां पर आता है तो रेड यहां पर, एन यहां पर आता है तो रेड यहां पर, एन यहां पर आता है तो रेड यहां पर, है ना. तो बेहतर है कि आप लोग क्या करें, या तो आप ई वाली पॉसिबिलिटी पिक कर लो, चाहे ए और एफ वाली कर लो, दोनों में आपके इस दोनों ही डायग्राम में दो दो पॉसिबिलिटीज निकलेंगी. ठीक है, तो ए और एफ वाला ले लेते हैं. तो फर्स्ट वाली कंडीशन में के आपका नॉर्थ फेस कर रहा है, यानी कि एफ कैसा फेस करेगा, साउथ. ठीक, ए कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो पहली पॉसिबिलिटी में ए यहां पर और एफ यहां आ जाएगा. दूसरी पॉसिबिलिटी में आपका ए यहां पर और एफ यहां पर आ जाएगा. ठीक, इस कंडीशन में आप देखोगे तो ए यहां पर और एफ यहां आ जाएगा, और दूसरी कंडीशन में आपका ए यहां पर और एफ यहां आ जाएगा. ठीक, क्योंकि एफ को आई थिंक कॉर्नर पे मना नहीं करा गया है ना. तो ठीक है, आगे देखते हैं. तो इस पॉइंट को हटा देते हैं, ई एंड व्हाइट ले लेते हैं कि ई के
लेफ्ट में आपके दोनों पर्सन कैसे आएंगे, व्हाइट वाले आएंगे। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में देखोगे तो ई को हम कैसा फेस कराएं, साउथ या फिर नॉर्थ। देखो अगर ई को मैं यहां पर बैठाती हूँ, साउथ की तरफ फेस कराती हूँ और दोनों तरफ व्हाइट देती हूँ, तो यहां पर एक बात कही गई है कि एफ और ए दोनों को ओनली व्हाइट नहीं मिलेगा, है ना। तो यहां पर ई के आपके जो लेफ्ट है उनकी में क्या आएगा, आपका व्हाइट आएगा। तो उनमें आपका जब व्हाइट आएगा तो आप देखोगे कि यहां पर आपका ई नहीं आ सकता, ठीक। अब यहां पर भी बात किसकी हो रही है, ओनली व्हाइट की ही हो रही है, क्योंकि दोनों व्हाइट की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ओनली व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट का जो एक प्रॉपर यूज है वो यहां पर हो चुका है। और अब ये वाला जो आपका जो यूज करा गया है, आप देखोगे किसी भी तरीके से आपका ई की लेफ्ट में नहीं आ सकता, है ना। ई की लेफ्ट में आपका ये वाला व्हाइट नहीं आ सकता, इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो दोनों व्हाइट का यूज हो रहा है वो ओनली व्हाइट का हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब आपका ई यहां तो आ नहीं सकता, क्योंकि व्हाइट और व्हाइट यहां पर देना पड़ेगा ओनली, जबकि ए और एफ को मना है। देन इसका मीनिंग यहां पर यह है कि ई यहां पर आएगा व्हाइट और व्हाइट यहां पर आएगा, ठीक। ऐसे ही इस वाली कंडीशन में ई यहां पे नहीं आएगा, ई यहां पर आकर व्हाइट और व्हाइट यहां पर आ जाएगा। इस वाली कंडीशन में भी ई जो है वो यहां नहीं आ सकता, बिकॉज मिडिल में ए बैठा है, तो ई यहां पर व्हाइट यहां पर व्हाइट यहां पर आ जाएगा। इसमें आपका ए मिडिल में बैठा है तो ए यहां पर व्हाइट और व्हाइट यहां आ जाएगा, ओके। तो उसका बता दोगे, इस पॉइंट को भी हटा सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं जो ओनली रेड वाले पर्सन है दोनों, वो आपका पिंक वाले को फेस करेंगे, ठीक। तो यहां पर आपका देखो जो पिंक और रेड वाला कॉम्बिनेशन था उसमें किसी एक को पिंक और किसी एक को रेड दिया जाना है, और रेड जो है वो पिंक के सामने आएगा, इसका मतलब रेड यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि इसके सामने व्हाइट है। तो यानी कि यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर आ जाएगा पिंक, ठीक, और यहां पर आएगा रेड, और रेड जब यहां पर आएगा तो इसके सामने क्या आएगा, पिंक, ठीक। यही चीज आप यहां पर भी यूज करेंगे, यहां पर क्या आएगा, पिंक, यहां पर रेड और यहां पे पिंक, ठीक, क्योंकि रेड के सामने पिंक आएगा। देन ऐसे ही यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या आएगा आपका, रेड, यहां पर पिंक और यहां पे पिंक, ठीक। ऐसे ही इस कंडीशन में क्या आएगा, यहां पर पिंक, यहां पे रेड और यहां पे पिंक, है ना। इस कंडीशन को आप हटा दोगे। देन फिर आगे कह रहे हैं कि इसको अभी रहने दो, क्योंकि अभी आपका एक ही रेड का यूज हुआ है, दूसरा बचा है ना, तो अभी इसको रहने दो। फिर इसके अलावा एन और रेड को फिक्स कर सकते हो अब आराम से, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एन और रेड को देखोगे तो इस वाली कंडीशन में आप देखोगे तो आपका एन जो है वो कहाँ आ सकता है, देखो इसको या तो साउथ फेस कराना है या नॉर्थ फेस कराना है, ठीक। तो साउथ एंड नॉर्थ की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप इसको फर्स्ट वाले डायग्राम में, ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ठीक। अब आपको थोड़ी आसानी रहेगी, तो फर्स्ट वाले डायग्राम में देखोगे तो अगर इसे नॉर्थ के दोनों आप एंड पर बैठाते हो तो रेड आप बीच में नहीं दे सकते, बिकॉज बीच में पिंक फिक्स है, ठीक। तो आप एन को कहां बैठा लोगे, साउथ की ओर, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि एन को हमें पिंक नहीं देना है, यानी कि पिंक यहां पर नहीं आए, यहां पर पिंक जब गिवन है तो यानी कि एन जो है वो यहां पर आएगा, और ऑलरेडी आर आपका यहां पर, यानी कि रेड आपका यहां पर फिक्स है बीच में, ठीक। सेकेंड वाले डायग्राम में देखो, तो सेकेंड वाले डायग्राम में आप देखोगे कि आपका जो रेड है वो यहां पर फिक्स है, ऊपर की तरफ आपका पिंक फिक्स है, यानी कि एन यहां पे और यहां पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि फिर आप एक का गैप करके रेड नहीं लिख सकते हो। तो यानी कि इस कंडीशन में आपका एन यहां पर आएगा, क्योंकि इस कॉर्नर में आपका पिंक फिक्स है, ठीक। ऐसे ही यहां पर देखोगे तो आपका जो एन है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ऐसे ही यहां पर देखोगे तो एन आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा दो, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहे हैं बी के इमीडिएट लेफ्ट में एच आएगा, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में एच के लिए तो बी यहां पर और एच यहां पर आ जाएगा। इस कंडीशन में देखोगे तो बी यहां पर और एच यहां पर आएगा, इस कंडीशन में बी यहां पर और एच यहां पर आएगा, और इस कंडीशन में बी यहां पर और एच यहां पर आ जाएगा, है ना। तो इसको आप हटा दोगे। फिर पिंक और रेड ये भी हो चुका है। वाई और एफ, ये पॉइंट अच्छा है, वाई जो है वो साउथ की ओर देखेगा और पिंक उसको मिलेगा। तो इस कंडीशन में देखो वाई आप यहां फिक्स कर सकते हो, है ना, लेकिन यहां पे देखो ये कहा गया है कि वाई और एफ आपका साथ साथ नहीं आएंगे, तो जब वाई और एफ साथ साथ नहीं आएंगे और यहां पे वाई और एफ साथ साथ आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं वाई की, यानी कि ये कंडीशन कट हो जाएगी। इस कंडीशन में देखोगे तो वाई यहां पर आएगा लेकिन पिंक नहीं दे सकते, तो ये कंडीशन कट हो जाएगी। यहां पर भी वाई यहां पर आएगा तो पिंक नहीं दे सकते, तो ये कंडीशन भी कट हो जाएगी। और इस कंडीशन में आपका जो वाई है वो कहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, पिंक आप इसे यहां पर दे दोगे तो आपका ये एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, और इसे पिंक भी दे दिया, प्लस ये आपका साउथ भी देख रहा है, सारी कंडीशन यहां पे सैटिस्फाई हो गई, ठीक। इसे हटा दो, इसे हटा दो। एफ और के अपोजिट डायरेक्शन ये हो चुका है, इसे रहने दो। फिर सी के सामने जो पर्सन आएगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या आएगा, आपका एम आएगा। तो दो ही आपकी जगह बची है, एक यहां पे और एक यहां पे। तो अगर सी यहां पर आता है तो इसके सामने वाला जो पर्सन है उसकी इमीडिएट लेफ्ट में हम एम यहां दे सकते हैं, है ना। और अगर सी यहां पर आता है तो उसके सामने जो पर्सन है उसकी इमीडिएट लेफ्ट में हम एम यहां पर दे सकते हैं, ठीक। तो सी यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि सी को व्हाइट नहीं मिलेगा, ठीक। सी इज नॉट वेयरिंग व्हाइट, सी को व्हाइट नहीं मिलेगा, इसका मतलब सी जो है वो यहां पर आएगा और एम यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसे आप हटा दोगे, इसे भी हटा दोगे। ए और के एंड पे नहीं आएंगे, ये भी हटा दोगे। अच्छा, आप कलर रह गए हैं, कलर को फिक्स कर लो।
तो यहां पे देखो दो रेड थे जिसमें आपने खाली एक ही रेड लिखा है, यानी कि दूसरा रेड यहां पर आएगा। दूसरा रेड यहां पे क्यों आएगा? क्योंकि उसको उसके सामने हमें क्या देना है, पिंक देना है, ठीक। और बाकी बचा एन, तो एन को हम क्या देंगे? देखो एन को पिंक जो है वो मना कर दिया गया था, ठीक है, कि एन को पिंक नहीं देना है, तभी तो हमने यहां पर पिंक वाली जगह पर इसे नहीं बैठा ला था, है ना। बाकी जो पॉसिबिलिटीज थी उसमें हमने इसे पिंक वाली जगह क्यों नहीं बैठा ला था, क्योंकि एन को पिंक नहीं देना है। और प्लस एन को आप रेड नहीं दे सकते क्योंकि रेड का यूज आपका खाली दो बार होना था। तो यहां पर क्या बचा आपका? ओनली डब्लू। तो एन को क्या दे दोगे आप? डब्लू, इट मीन व्हाइट, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन, काफी अच्छा था, समझाने में भी काफी समय लगा मुझे और मजा भी आया, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन के संग आगे भी मिलते रहेंगे। एमसीक्यूज को देख लेते हैं, एमसीक्यूज का आंसर प्लीज आप लोग दीजिए। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सी कौन सा कलर पहना है, एंड उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे दीजिए। इससे सेकंड क्वेश्चन, एंड व्हाइट और रेड वाले के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? सो व्हाइट एंड रेड यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में एच है, सो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। देन व्हाट इज द कलर वॉन बाय द इमीडिएट नेबर ऑफ टू द लेफ्ट एंड टू द राइट ऑफ वाई रिस्पेक्टिवली? तो लेफ्ट और राइट में उसके रिस्पेक्टिवली आंसर देना है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, एंड प्लीज चैनल को डेली विजिट करते रहिए। कभी भी अगर वीडियो अपलोड नहीं होती है तो फिर आप वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आता है और वो अपलोड होती है तो फिर उसको भी आप व्यू कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।